पे दो दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया। अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट ऐसा था कि थोड़े लोगों को मिला है, ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट भी हुआ है, मे बी अब और फॉरेन कंट्री में भी हुआ रहता। ये क्या है कि हमारे जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हैं वो और अल्लाह के वजह अल्लाह के नाम पे उन्होंने एक मैसेज भी दिया है, रॉन्ग मैसेज बैडवर्ड के साथ में, और बोलना के लिए शर्म भी आती है कि एक न्यूड पोस्टर्स लड़कियों का उसके ऊपर ये लोग ने कुछ अल्लाह को गाली भी दी। तो ये हम लोग कंडेम करते हैं और इसके खिलाफ हम लोग ने पुलिस में एफ आई आर कंप्लेंट दिया है। और ये जो इंस्टाग्राम का पोस्ट है इसमें क्या है, फाइंड मी इफ़ यू कैन मीन्स ये टोटली इंस्टिगेट कर रहा है, ही इज़ टोटली इंस्टिगेटिंग ऑल द हिंदूज एंड आप लोग मुस्लिम्स को ये फाइट क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग हमारे यहाँ पे पीसफुल करने के लिए आए हैं, तो हम लोग हमारे मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सब देख के नाराज मत हो और इनके पर आप हम लोग कानून पे भरोसा रख के इसके पर आगे हम लोग एक्शन लेना चाहिए। हम लोग ने कंप्लेंट फाइल किया है और 10 दिन का 12 दिन का हमको पुलिस ने ये दिया है कि आप इसका रिसॉल्व करके देंगे। लेकिन जहाँ तक देखता हूँ कि 24 इलेक्शन की तैयारी चल रही है, 24 इलेक्शन जब नज़ीक आ रहा है तो ऐसे पोस्ट बहुत बार आएंगे और कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए हमारे हिंदू मुस्लिम कैथलिक भाई जो गोवा में इतने सालों से प्यार से रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं, हाँ अदर स्टेट्स में होते रहते हैं लेकिन गोवा में कभी नहीं हुआ, और इसका हम लोग कंडेम करने के लिए आए हैं कि हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम कैथलिक बना रहे। और एक बात बोलनी चाहती थी कि जो आईटी सेल जो चल रहा है इंडिया में ये सबको मालूम है किसका है, और ये इंडिया में बनाया गया पोस्ट है और अब्रॉड से इसको लिंक किया है और इसको ये किया है, पोस्ट किया है। सो इसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है और हमारे बीच में जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं और कैथलिक, इनमें से ये कुछ भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये देखने का सरकार काम है। और हमारे सीएम प्रमोद सावंत जी ने बोला है क्लियरली कि जो भी कम्युनल हार्मनी का इसका ये करेगा पोस्ट उसको सजा दिया जाएगा। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि अभी हमारे सीएम सर क्या एक्शन लेना चाहते हैं और हमारे पुलिस कैसे इसको सॉल्व करेगी।